क्या हो गया? It's 8 p.m. चलें. 9 बजे की reservations हैं. And this is for you. Stunning. Like it? Love it. Thank you, Vikram. One second. Yeah. Let me help you. Yes. It's beautiful. Let's go. गॉड, 10 बजने वाले हैं और अभी एक और सरप्राइज बाकी है. हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी सुनसान जगह है. इट्स ऑलरेडी मिडनाइट. कितने और सरप्राइजेस? हमीद, कितनी देर और? सर बस 5 मिनट और. वो ढाबा यहीं पर है, कश्मीरी चाय का. अरे नो वे. व्हाट? इस जगह को तुम इतना मिस करती हो, वो हमने ढूंढ निकाली है. मगर कैसे? मतलब 10 साल हो गए इस बात को. इस सारी चीज का क्रेडिट हमीद को जाता है, इसने ढूंढा है. सर कश्मीरी चाय लेंगे, कड़क चाय? 2 कश्मीरी चाय ले आइएगा. नहीं भाई, 2 नहीं, 3 कप. सर मेरे लिए क्यों? आप तो पिए, मेरा खैर है. अरे यार, तुमने इतना किया है हमारे लिए, एक चाय का कप तो बनता है. 3 कप कर दे भाई, प्लीज. ठीक है सर. बेस्ट समोसा दे. अरे अरे, एक एक सीडी सीडी, एक एक सीडी. चला, आप लोगों को जोर ही मैं देता हूँ. गांस पी दीजिए. क्या देख रहा है? प्लीज चला, गाड़ी चला रहा. पता चला है कि दानियाल ने ना एक बहुत लंबी चौड़ी रोमांटिक इवनिंग प्लान किया आयला के लिए. बिल्कुल अपने बाबा पे नहीं गया हुआ. तो बस फिर तो हम लोग सो ही जाएं, क्योंकि ये दोनों तो वापस लेट आएंगे. Yes, of course, अब आपकी बेटी आ गई ना, वो ही उसकी फिक्र करेगी. वो क्या फिक्र करेगी? वो तो अपनी फिक्र कर ले, यही बड़ी बात है. तभी तो इतने शौक से एक दूसरे को उन्होंने सेलेक्ट किया है. बस अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जी बिल्कुल. फिर कल मुलाकात होती है डिनर पे. ठीक है, खुदा हाफिज़. तुम सब अपने मोबाइल दो. मैं सुनाई नहीं दे रहा. मोबाइल निकाल, निकाल मोबाइल कर दो. सुनिए, आप लोगों को कुछ भी चाहिए, गाड़ी, जेवर, पैसा आप ले लें प्लीज, लेकिन हमें छोड़ दें प्लीज. अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो यही ठोक दूंगा तेरे को. चुप कर. गाड़ी रोक, गाड़ी रोक. मैं तुझे सुनाई नहीं दे रहा. गाड़ी रोक. उतर. तुर शाबाश, जल्दी. होशियारी नहीं चाहिए कोई. भाई प्लीज, गरीब आदमी यार, आराम से बैठे रहो. कोई होशियारी नहीं चाहिए. कहाँ लेके जा रहे? मैंने खाना आराम से. सीधा चल. अच्छा मैं आई, तुम लोग खाओ, बहुत मजे का चॉकलेट केक है. हे, व्हाट्स अप? ओह, नॉट मच. मैं याद हूँ? ऑफ कोर्स. अच्छा, क्या नाम है मेरा? आई न्यू इट. नो एक्चुअली, मैं गलत नाम नहीं गेस करना चाहता. एनीवेज, हियर इज माय बर्थडे केक. ओह, हैप्पी बर्थडे. Happy birthday, Ayla. Okay. Happy birthday, Ayla. आखिरी दफा बताया, दोबारा नहीं बताऊंगी. अब मत भूलना. अब नहीं भूलूंगा, promise.
केक अच्छा? मैंने नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने बेक किया है. Do you want to meet them? फिर कभी, मेरी गाड़ी आने वाली है. That's okay. Next time do hang out with us. पक्का. See you. खा ले. अरे अजीब लड़की है यार. अजीब का तो पता नहीं, मगर अंधी जरूर है. क्या मतलब? कॉलेज की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़की तुम जैसे लोनर को लिफ्ट क्यों करा रही है? हद की बात तो ये है कि तुम कैंपस में कहीं भी छुपे हो तो मैं ढूंढ निकालती. स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक. बात तो ये है जानी, आयला जैसी लड़की को ना कोई भी मिल सकता है, पर पता नहीं उसको तुम में क्या नजर आता है. देखिए आपको हमसे जो कुछ चाहिए ना आप ले लें, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दें. प्लीज हमें परेशान ना करें, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा. ये देखिए, ये बोलो ना, बाहर निकल, सब पता चल जाएगा. क्या चाहते हो हमसे, हमें बता दो प्लीज. अभी पता चल जाएगा, अभी बताते हैं. मैं जा रही हूँ. सुनो यार, जो कुछ चाहिए. देखो हमसे जो चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज हमें मारो मत. प्लीज खामोश रहो. तेरे अब दानी को छोड़ दे. प्लीज मत मारो. अंदर बैठो. अंदर आवाज नहीं रही तुम्हारी. अब दानी को रो. टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं भाई, बस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में मजीद क्या चल रहा है. बताऊंगी तो मजाक तो नहीं उड़ाओगे? बताओ. ये चाय अच्छी है, लेकिन 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 सबसे बेस्ट कश्मीरी चाय तो मैंने 10 साल पहले पी थी एक ढाबे से. तो वहाँ चलते हैं? नहीं, वहाँ नहीं जा सकते, बहुत पुरानी बात है. आई थिंक मैं 12 साल की थी तब. अम्मी अब्बू के डिवोर्स से भी पहले की बात है. अब्बू हर संडे हमें उसी ढाबे पे कश्मीरी चाय पिलाने लेके जाते थे. मुझे आज भी याद है वो टाइम. मैं उस चाय का एक घूंट लेती थी ना तो मुझे लगता था ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है. 12 साल की उम्र में चाय पीती थी? हाँ. तो अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये जगह है कहाँ पे? यही तो मसला है, मुझे नहीं पता. आई थिंक हैदराबाद का जो हाईवे आता है ना, उसी रास्ते पे थी. अब्बू को पता होगा, उनको याद होगा, लेकिन उनसे पूछ नहीं सकते. और अम्मी से मैं पूछना नहीं चाहती. क्यों? जिन लम्हों को हम भूल गए हैं उनको ताज़ा करने का क्या फ़ायदा? लेकिन तुम्हें तो याद आती है ना वो जगह. हाँ याद तो आती है, लेकिन अब ये माजी का एक ख्वाब सा लगता है. कभी कभी सोचती भी हूँ कि काश वो ढाबा मुझे दोबारा मिल जाए तो वहाँ जाके एक दफ़ा और वो चाय पी लूँ और ज़िंदगी के उन लम्हों में वापस चली जाऊँ जब लाइफ बहुत सिंपल थी. खामोश रहो. शाबाश.
किसका फोन आ रहा है वो भी इतनी सुबह सुबह। अननोन नंबर है, मैं नहीं उठा रहा। प्लीज साइलेंट पे कर दें, मेरी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रही है। हेलो हेलो दानियाल, नसीमा कोई खबर? मुजीब गए हैं पुलिस स्टेशन दानियाल को लेने, और आयला किसको फोन कर रही हो? मुझे भाई को, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे मना कर दिया। जी नसीमा जी, बस मैं दानियाल के पास पहुंचने ही वाला हूँ। जी जी, वो बाकी की तफसील तो आप पहुंचने के बाद ही मालूम, मैं आपको फोन करता हूँ। बहुत बचत हो गई साहब, शुक्र करें आपके बेटे को गोली नहीं लगी, बाल बाल बचा है। तुम जाओ, आयला को ढूंढना है। फाइंड हर। यस वी विल। शर तुम ठीक हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम घर पे? जी सामी बीवी। ठीक है। I'm so sorry, ma'am. कोई खबर? अभी सर से बात हुई है, दानियाल सर दोनों पुलिस स्टेशन में इस वक्त। और आयला? Unfortunately, आयला की कोई खबर नहीं है इस वक्त, पुलिस की तलाश जा रही है। सामिया कई सालों से मुजीब के ऑफिस में काम कर रही है, CEO है, फैमिली की तरह है बिल्कुल। जी मैं जानती हूँ, मेरी मुलाकात हुई है इनसे शादी में। मैम सर का टेक्स्ट आया। वन सेकेंड प्लीज, मुजीब से कहें कि दानियाल को फौरन घर लेके आए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक्चुअली मैम सर मुजीब की इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने घर जाके अपना सामान यहाँ ले आए। क्यों? क्योंकि मैम हमें पता नहीं है ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं, और इस वक्त आपका अकेले रहना सेफ नहीं है। हम आपको सिक्योरिटी गार्ड्स देते हैं, आप उनके साथ वापस आ जाए यहाँ पे। आई हैव टू गो नाउ। डोंट वरी मुजीब, सब संभाल लेंगे हम, है ना, परेशान मत हो। जी सर मैं बस आ रही हूँ सर। जी सर मैंने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अरेंज कर लिए, डोंट वरी। वन मोर थिंग, नसीमा आंटी बार बार पूछ रही हैं कि पुलिस को आयला के सिलसिले में कोई और लीड्स मिली है कि नहीं। सबसे पहले हमीद को गाड़ी से निकाल कर लेकर गए। हमीद कौन? इसका ड्राइवर। अच्छा फिर? कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। आपका कुछ अंदाजा ही है कौन सी जगह थी? बहुत अंधेरा था, जानबूझकर गाड़ी को सुनसान सड़कों पे घुमा रहे थे।
आपकी शादी अभी रिसेंटली हुई है ना? जी, कुछ दिन पहले। आपकी बीवी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? उनकी फैमिली की किसी के साथ दुश्मनी? नहीं, उस बेचारी की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, वो तो एक शरीफ से खानदान की बच्ची है, इसको उसकी माँ ने अकेले ही पाला है। कि माँ क्या करती है? पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में। और उनका बाप? पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है, इन लोगों का खास उनसे कोई रابطہ नहीं है, सभी मुल्क से बाहर होते हैं। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन चाहिए होगी बाप की, चाहे वो मुल्क से बाहर ही क्यों ना हो। आयो का ऑफिस कहाँ है? सामने। सर, क्या हुआ? पुलिस क्या कह रही है? या तो ये कारजैकिंग का केस है, या फिर वो दानियाल को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक जगह गाड़ी रोककर दानियाल को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने की कोशिश की। ओह माय गॉड सर, दैट्स टेरिबल। सॉरी आंटी, आयला मेरी जिम्मेदारी थी। ऐसा मत सोचो, बस तुम ये दुआ करो कि वो सही सलामत वापस आ जाए। पुलिस से तसल्ली तो दी है कि ढूंढ के ले आएंगे वापस ना। कहाँ जा रही हो? मुजीब भाई से बात करने, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सही कह रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शादीशुदा था? आई थिंक सो, शायद एक बेटा भी था। दिस इज टेरिबल सर। दानियल के पास उसकी बीवी का पता होगा, उसे इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। बाय द वे सर, प्रेस का क्या करना है, किस तरह हैंडल करना है, कोई प्लान? अभी नहीं, प्रेस के हाथ ये खबर लग गई तो सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। मैं चेक करती हूँ। जी नसीमा। भाई, हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हम आयला को खुद से क्यों नहीं ढूंढ रहे? देखिए नसीमा, हम अकेले कर ही क्या सकते हैं, पुलिस अपना काम कर तो रही है और हम पता लगवा तो रहे हैं। फिर भी मुझे, हमें कुछ करना चाहिए, मुझे सख्त घबराहट हो रही है। फॉर गॉड सेक शहाना, तुम क्या कर सकती हो? पुलिस को अपना काम करने दो। दानियाल से बात कर सकते हैं, उस लोकेशन में वापस जाके उसको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं हम, क्योंकि कुछ ही देर में रात हो जाएगी, पता नहीं किस हाल में होगी आयला। देखिए, आप लोग अकल से काम लें, वो बहुत खतरनाक लोग लगते हैं। आप लोग ऐसा करें, बस बैठे और दुआ करें कि जल्दी हमें आयला की कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। और तुम्हें क्या हो गया शहाना, तुम क्या कर सकती हो? इस किस्म की बेवकूफी की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। भाई, आपको किसी पे शक है? देखिए नसीमा, अगर मुझे किसी पे शक होता ना, तो सबसे पहले पुलिस को वहीं भेजता। मेरा मतलब था कि कोई थ्रेट वगैरह। दुश्मन ऐलान नहीं करता कि मैं दुश्मन हूं, और अगर ये सब कुछ पैसे की वजह से हुआ है तो फिर किस किस पे शक करते फिरे हैं? अभी एक महीने पहले तक तो सारा सोशल मीडिया एक ही बात कर रहा था कि मुजीब जवान ने अपने बेटे की शादी पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं, बल्कि अब पुलिस बार बार ये सवाल कर रही है कि बेटी की शादी पर बेटी का बाप क्यों नहीं आया। कुछ पता चला? नहीं, तानारा में हमीद की फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। कोई नंबर या कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? आई नो तुम्हारा फोन उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन डू यू हैव एनीथिंग? या, कहीं नोट किया था, मैं लेकर आता हूँ। ओके। चाहिए? नो थैंक यू मैम। पेन एंड स्ट्रेस रिलीवर, इट्स गुड फॉर यू। नहीं, मैं ठीक हूँ मैम। सो मैंने तो नसीमा को भी ऑफर किया, उसने भी मना कर दिया। शो वैसे उस लड़की को क्या जरूरत थी कि 2 रुपए वाले चाय की कप की फरमाइश करे? मैंने तो दानियाल को शादी से पहले समझाया भी था।
क्या हुआ? क्या हुआ जी? जी 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 जी, बस हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं जी। बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं जी, बिल्कुल। क्या हुआ? गाड़ी लोकेट हो गई है। और आयला? लगता है उन लोगों ने थोड़ी दूर जाकर खुद ही गाड़ी वहां छोड़ दी और कहीं फरार हो गए। चाहते क्या हैं? आयला से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? हम इन चीजों की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज दिखाना थी। आप इस ब्रेसलेट को पहचानते? जी, ये मैंने उसे गिफ्ट किया था उस रात, उसने ये पहना हुआ था। ये हमें गाड़ी की सीट के नीचे से मिला। अब सवाल ये उठता है कि अगर किडनैपर्स का मकसद सिर्फ डाका था तो उन्होंने इतना कीमती ब्रेसलेट पीछे क्यों छोड़ दिया? या तो ये खुद से गिर गया हो और रात के अंधेरे में उनका एहसास ना हुआ हो, या फिर आपकी बेगम ने जानबूझकर इसे सीट के नीचे छुपाया ताकि आपको कोई सिग्नल दे सके। सिग्नल? अरे किस किस्म का सिग्नल? ये तो हमें खुद नहीं पता, लेकिन इससे एक बहुत अहम चीज वाजह हो जाती है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये सिंपल कार जैकिंग या रॉबरी का केस नहीं, बस ये पता लगाना है कि गाड़ी वहां छोड़ने के बाद हुआ क्या। हाँ हेलो, कहाँ पहुंचे? कहाँ है वो? पहुंचने वाला है, अभी आना है। बाहर आओ, बाहर आओ, रो मेरा, बाहर आओ, हाथ छोड़ो मेरा, चलो 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 अंदर, गाड़ी चलो चलो अंदर, चलो बाहर निकलो। गाड़ी लड़की भाग गई, भाग गई लड़की, जल्दी निकल। Waalaikum assalam. How are you, mommy? I'm good, thank you. Kya? Let me guess. Daniel. Oh, me. मेरे खुश होने की कोई और वजह भी हो सकती है ना? Right. अच्छा भाई, अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं। खाना खाओगी? नहीं, आज हम डिनर बाहर करेंगे। और प्लीज मुझे आपकी फजूल खर्ची पे लंबा लेक्चर नहीं सुनना। इस खुशी में भाई, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है। ओ, तो वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब आपके ग्रेड्स आएंगे। अम्मी ग्रेड्स को छोड़ें, ग्रेड्स तो बहुत अच्छे आएंगे। आपको पता है आज दानियाल ने भी मेरी प्रेजेंटेशन की तारीफ की है। कौन? तो मतलब दानियाल की तारीफ जो है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेड्स से? कम ऑन आयला, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। नहीं अम्मी, आप समझ नहीं रही, दानियाल हर किसी की प्रेजेंटेशन की तारीफ नहीं करता। Very rare. Well, ये तो उसका मसला लगता है। अम्मी, दानियाल ना एक बहुत मैच्योर, सेंसिबल, कंपोज्ड, अब सुलझा हुआ और बहुत फैसिनेटिंग मिस्टीरियस टाइप का लड़का। यस, मुजीब जमान जैसे करोड़पति बाप का बेटा अगर फैसिनेटिंग नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा अच्छा, खाने के लिए चलते। सोच लें, बहुत महंगी जगह लेके जाऊंगी। गॉड, अच्छा चलें आपके रेगुलर बन कबाब खाते हैं।
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम दोनों को आखिर इतनी रात में इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी। इस टाइम पे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओ अच्छा हुआ तुम आ गई, अकेले में दिल घबराता होगा। मुजीब भाई, दानियाल, अब आप लोग जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी, चाहे थाना हो या वो लोकेशन हो। आप ठीक? एक्सक्यूज मी। हाँ सामिया, हाँ हाँ, तो उसे अंदर भेज दो। हाँ ठीक है, हमीद की बीवी आई है। देखिए प्लीज उम्मीद मत खोए, मुझे भी तो मारने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन देखिए मैं आपके सामने हूं बिल्कुल ठीक। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, बस दुआ करें प्लीज। हेलो, क्या तो कहीं नजर नहीं आ रही, कहां जा सकती है? ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अब क्या हुआ? उसको ढूंढना बहुत लाजमी है। तो एक काम कर, उसको इतला कर, मैं यहां देखता हूं, तू वहां देख। ठीक है। मैम, सर कह रहे हैं वो रास्ते में है। यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रही, लगता निकल के गए। चल चलते। Thank you.
तुम? हेलो हेलो सामिया, सर क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही. क्या कह रहे हैं सर आप? क्या हुआ? कौन है? पता नहीं अम्मी. क्या पता नहीं? ये शेर थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? तुम बताओ, तुम बच्ची तो नहीं हो? बच्ची तो नहीं हूं, बट आपको ना शहाना आंटी का नहीं पता. वो एक ही सेकंड में पूरा आउटफिट स्कैन कर लेती हैं. उनको पता चल जाता है कहाँ से लिया है, किस डिजाइनर का है, कितने का है. शी जस्ट मेक्स मी रियली नर्वस. गॉड से काला, तुम ऐसी तो नहीं थी. और तुम तैयार किसके लिए हो रही हो? अपने लिए या किसी और के अप्रूवल के लिए? मैं कौन सा किसी अजनबी के अप्रूवल के लिए तैयार हो रही हूँ? अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के लिए हो रही हूँ. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बिल्कुल. और इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ. तुम बहुत प्यारी लग रही. और अगर तुम्हें ये लिपस्टिक का शेड सही नहीं लग रहा तो किसी और का अप्रूवल क्यों? ब्रंच में लिप बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी बी स्पेंडिंग टाइम अलोन. वो मुझे जानना चाहती हैं, इसलिए तो अकेले बुलाया. और जब वो तुम्हें जान जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटे की चॉइस कितनी सही है. तुम्हारे अब्बू का था, तुम्हें मंगनी की मुबारक देना चाह रहे होंगे. नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. अच्छा चलो छोड़ो. और अब तुम जाओ. पहली दफा ही लेट पहुंचोगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चल ओके, थैंक्स फॉर द बेस्ट ऑफर. दुल्हन थी जिनकी हाल ही में बड़ी धूमधाम से शादी मनाई गई थी. एक्चुअली ये नीचे कुछ फाइल्स हैं, जाके एचआर डिपार्टमेंट में देख रहा हूं. सर जी, आपने ये न्यूज़ स्टोरी देखी?
कौन सी? आयला नदीम का मर्डर केस। 3 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम के हर पेज पे इसकी शादी की तस्वीरें थी। आयला नदीम कौन? सर ये। ये दानियाल की बीवी मुजीब जमान की बहू। जी सर, आयला नदीम था उसका नाम। अच्छा, अफसोस हुआ, लेकिन ये स्टोरी तो जाकिर को पहले ही असाइन कर दी। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाकिर साहब को असिस्ट कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि उसको पहले ही कोई लड़का असिस्ट कर रहा है। आप ऐसा करो कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक या ट्विटर पे कोई अच्छी सी पोस्ट लगा दो, बल्कि ऐसा करो नीचे जाके फैशन एंड ब्यूटी डिपार्टमेंट में देखो क्या हो रहा है। आप अपनी इंटर्नशिप का कोई फ़ायदा उठाए। ओके चला, दो पराठे लगाना। आपके इलाके में अफजल नामी शख्स कोई रहता है जो थोड़ा सा मशकूक टाइप है? यार ये क्यों अपना मुंह छुपा रहे? वो देखो इसे, ओए रुक रुक। तू मेरे पीछे। मैम आप ठीक है? इट्स ओके, बी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ना बी स्ट्रॉन्ग, रोना बंद करो, बहुत काम पड़े हैं करने के लिए। हमें यहां से निकलना होगा। क्यों? पुलिस मेरे पीछे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूं। किसी ने पीछा तो नहीं किया तेरा? वो मेरे पीछे थे, जो करना है जल्दी करो। कहाँ फंस गए? अब ना कहीं छुप सकते हैं और ना भाग सकते हैं। तो फिर अब क्या करें बॉस? शायद अब हमें यहाँ लोग होना पड़े,
वरना इस इलाके के लोगों को ही हम पर शक होना शुरू हो जाएगा। सामान बांधो, निकलो यहाँ से। ठीक है। हेयर रोलो। जी देखिए, मैंने आपसे कहा था रकम अरेंज हो जाएगी, आप बस बता दीजिए कहाँ मिलना है। ठीक है। हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ आजकल, एक्चुअली इंटर्नशिप में थोड़ा बिजी रहती हूँ, लेकिन आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और सब जानना चाहते हैं आरजू और शाहिद के डिवोर्स रूमर्स के बारे में। अपेरेंटली दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो तक कर दिया है। बट आज हम सेलिब्रिटी से हटकर एक और स्टोरी शेयर करेंगे। ये है आयला नदीम का मर्डर केस। अगर आप लोगों को याद हो तो एक हफ्ते पहले मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त शादी की पिक्चर्स और वीडियोज़ अपलोड की थी। ये शादी आयला नदीम और दानियल मुजीब की थी। It was a star-studded event. जी जी मुजीब साहब, जी जी मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि हम उन्हीं इलाकों की तलाशी ले रहे हैं। हमारी पहली लीड वो बुलेट है जो वहाँ से मिली। हम ये पता लगा रहे हैं कि वो बुलेट किस बंदूक से निकली है और वो बंदूक आसपास के किस इलाके से मिलती है। लेकिन असली का मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्लैक मार्केट से ख़रीदा जाता है। हाँ लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उस बुलेट शेल को फॉरेंसिक लैब भेजा हुआ है फिंगरप्रिंट्स के लिए। भाई आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है कि पुलिस को अभी तक ड्राइवर की बॉडी तक नहीं मिली? बात तो अजीब सी है। उसके बीवी के कॉन्टैक्ट के अलावा लोगों के पास उसकी कोई और हिस्ट्री नहीं है? बैकग्राउंड चेक तो करवाया होगा आप लोगों ने? भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। शरीफ आदमी है बाबा, भरोसे वाला लगता है। तुम्हें बड़ा पता है, ऑफिस की एक मीटिंग तो सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते तुम। आदमी को देखकर ही पहचान जाओगे कौन भरोसे वाला और कौन नहीं। जरूरतमंद है, मैं पता करवा लूंगा। नोट पर ही जानी शादी वाला घर है, 1000 काम सर पे आए हुए हैं, दो ड्राइवर्स हैंडल नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा टेम्परेरली तीसरा ड्राइवर रख लेना, शादी खत्म हो जाएगी, काम निपट जाएंगे, फिर लेट हिम गो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, सामिया से कहो कि उसका बैकग्राउंड चेक करवाए फौरन, शनाख्ती कार्ड वगैरह की कॉपी दो सामिया को। हर काम सामिया से क्यों बाबा? आई मीन वो हमारे ऑफिस के कामों के लिए, घर के डोमेस्टिक स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। अगर तुम ऑफिस के मामलात को ठीक तरह से हैंडल कर सकते तो और बात थी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सामिया इससे पहले भी हमारे लिए काम करवाती रही है। बाय द वे नाम क्या है उस आदमी का? सर हमीद मंजूर नाम के शख्स को तो आप जानते होंगे ना, गालिबन आपके उस ड्राइवर का यही नाम था। हमने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया है, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कुछ अरसा पहले छोटी मोटी चोरियां करता पकड़ा गया था। अब कंफर्म हो गया है कि उसकी बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली, क्योंकि बुलेट शेल पर उसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। उतरो उतरो। जाओ घर की तलाशी ले जाओ। कहाँ जा रहे? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुम्हारा शौहर। मुझे नहीं पता, क्या ढूंढ रहे हैं? सर यहाँ पे कोई नहीं मिला। गिरफ्तार करो ने। क्या?
चलो 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 मुझे क्यों लेके जा रही शेरू चलो बीबी मैंने क्या किया है चलो क्यों लेके जा रहे हो मुझे छोड़ो मुझे मैंने किया क्या है क्यों जा रहे शेरू शेरू चलो चलना चाहिए वक्त को अपने हिसाब से चलाना चाहिए ये देख क्या लाया हूँ चल हट यहाँ भी चोरियाँ शुरू कर दी तूने अल्लाह अल्लाह करके तो नौकरी मिली है वो भी हाथ से चली जाएगी अरे इतनी महंगी घड़ी उसके लिए कोई चीज ही नहीं है उसको पता भी नहीं चला इतना पैसा है उन लोगों के पास क्या फायदा इतने पैसे का कुछ दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं तुम्हें देख मैं कोशिश करके छोटे साहब से बात करूंगा क्या पता मुस्तकिल रख लें हाँ तो चोरियां तो करना बंद कर तू जानती है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बेटे की शादी पर छोड़ो भी बड़ी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो इतने बड़े घर में दुल्हन बन के आ रही है लेकिन मामला कुछ अजीब सा है बड़े साहब और बेगम साहब खुश नहीं लगते इस शादी से ये तो छोटे साहब ने जिद करके शादी की है तुझे कैसे पता सब सुन रहा हो तो कभी हमसे बात छुपाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं लेकिन समझ फिर भी आ ही जाती है सर क्या ये बात सच है कि इस किडनैपिंग और कत्ल के पीछे आपका अपना ड्राइवर था सर क्या ये सब पैसों के लालच में किया गया या आपकी अपनी पर्सनल दुश्मनी थी सर एग्जैक्टली आपको कितने बजे पता चला कि आपकी बहू लापता है प्लीज वन एट अ टाइम प्लीज सर प्लीज आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए हेलो हाँ मैंने परसों के लिए मीटिंग कंफर्म कर दी है ठीक है ओके ओके बाय मैं आपको बता तो रही हूँ मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ देखें एमजे मैगजीन के साथ काम करती हूँ और फ्रीलांस ब्लॉगिंग भी करती हूँ अभी दो मेल रिपोर्टर्स यहाँ से गुजरे हैं आपने उनसे तो नहीं पूछा मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं बेटा ये सिर्फ प्रेस के लिए अलाउ है क्या हो रहा है यहाँ मैम ये लड़की अंदर आने की जिद कर रही है मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ प्रेस के अलावा किसी और का आना मना है अस्सलाम वालेकुम मैं एक जर्नलिस्ट हूँ अपना प्रेस कार्ड मैं गलती से ऑफिस में भूल आई लेकिन देखिए ये बैज है मेरे पास पर ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे सीरियसली नहीं ले रहे मुझे इट्स ओके इन्हें जाने दें लेकिन मैडम हम इस बच्ची को बगैर कार्ड के कैसे जान देंगे बच्ची इट्स ओके आप जा सकती हैं ठीक है थैंक यू ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग नज़र लग गई है किसी की अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो अपनी सेहत और खराब कर लोगी ये अफसोस और ये डिप्रेशन तुम्हें तबाह कर देगा तुम्हें क्या लगता है कि मैं अफसोस और डिप्रेशन की वजह से रो रही हूँ नहीं तो फिर क्यों रो रही हो गिल्ट ऐसा गिल्ट जो अंदर से खत्म कर रहा है ब्रंच करने जा रही हो हाँ तो इतनी बेजार क्यों हो क्योंकि मैं उस लड़की से मिलने जा रही हूँ जिसे दानियाल ने खुद ही पसंद कर लिया है और अंगूठी भी पहना दी हमें मिलाए बगैर अरे भाई शुक्र करो कि उसने किसी को तो पसंद किया मैं तो उसकी इसी बात से मुतमईन हूँ बस तो फिर आप उससे मिलने चले जाए ना ही इज इंसिस्टिंग कि मैं मिलूँ ब्रंच पे लेके जाऊँ उसे जानूँ और पसंद भी करूँ तो कर लो इसमें हर्जी क्या है आपको अंदाजा है कि ये सब कुछ मेरे लिए कितना एम्बेरसिंग है मेरी सारी सहेलियां पूछ रही हैं कि ये लड़की कौन है और ये मंगनी एकदम से कैसे हुई तो बता दो बेटे की पसंद है बेटे की पसंद एक ऐसी लड़की जिसे हम मिले नहीं जिसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमको जानते नहीं अरे भाई शर्त मैंने रखी थी ना कि अगर उसने मुझे पोता पोती नहीं दी तो मैं जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा तो उसने फौरन हामी भर ली अब लड़की तुम्हारी पसंद की हो या उसकी क्या फर्क पड़ता है तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना बार बार मैसेज कर रही है शी सो इरिटेटिंग आई वांट टू किल हर दानियाल सर आपसे एक लास्ट सवाल क्या आपकी बीवी की किसी से दुश्मनी थी
देखिए, ये दोनों सवाल पहले भी किए जा चुके हैं। जो पैकेट आप लोगों को दिया है उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और बाकी के सवालात के जवाब हम लोग खुद भी तलाश कर रहे हैं। सर, सर मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है जिसका जवाब शायद इन पैकेट्स में मौजूद ना हो। यहाँ अगवा और कत्ल के बारे में तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन असल विक्टिम को अभी भी कोई नहीं जानता। आयला नदीम कौन थी? मुजीब जमान की बहू और दानियल मुजीब की बीवी होने के अलावा भी तो उनकी कोई अपनी शनाख्त होगी। वो कौन थी, क्या करती थी और उनका इस सब में क्या रोल हो सकता है? क्या उनकी किसी से जाती दुश्मनी हो सकती है, या शायद आप लोगों की खानदानी दुश्मनी की वजह से एक बेकसूर अपनी जान खो बैठी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखें, हमें सिर्फ सच में दिलचस्पी है, आपके रोने धोने में नहीं। मेरा बच्चा कहाँ है? वो महफूज है, अगर उससे मिलना चाहती हो तो सच सच बताओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा शौहर जिंदा है, उसने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बताया तो है। अब खुदा का वास्ता है मुझ पे और मेरे बच्चे पे रहम फरमाए। झूठ बोल रही है। हम उन पे नजर रखेंगे, उनके घर की निगरानी भी करेंगे। जहां तक मुझे याद है उसका एक बेटा भी तो था। वो भी हमारी हिरासत में। बच्चे का इस सबसे क्या ताल्लुक है? सब आपस में मिले हुए होते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो औरत वाकई बेकसूर है तो उसके शौहर के जुर्म की सज़ा उसको क्यों मिले? उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है बाबा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखा जाए। ये तुम्हारी इसी सोच की वजह से हमने बगैर सोचे समझे एक कातिल और डाकू को अपने घर पर रख लिया था। सर, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, लेकिन इस सारे प्रोसेस में किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए, प्लीज। बिग मेन्यू? हाँ, आप मेरे लिए एक एग्स बेनेडिक्ट विद टर्की ऑन द साइड और एक वर्जिन पीना कोलाडा ला दीजिए। श्योर मैडम। फॉर यू, चीज बर्गर विद फ्राइज और बर्गर के साथ मीडियम मीडियम वेल वेल डन। बर्गर फॉर ब्रंच एंड वो भी वेल डन? जी। धनियाल तो कभी भी कोई चीज़ वेल डन ना खाए। मुजीब तो कहते हैं कि अगर गोश्त को ज़्यादा पका देना तो गोश्त ही तोहीन हो जाती है। एनीवे, तुम्हारा ब्रंच तुम्हारी मर्जी। शहाना। ओ बंटी, हाय। हाय। यूएस से कब वापस आई? पिछले हफ्ते आई। हाउ आर यू? आई एम वेल साइमा डार्लिंग, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू आंटी, यू आर टू काइंड। दानियाल बता रहा था कि तुम्हारी पहली बुक पब्लिश हो गई है, मुबारक। थैंक यू, मैं आज ही आपको साइंड कॉपी भिजवाती हूँ। नॉट वन कॉपी, टू कॉपीज, हां, वन फॉर मी एंड वन फॉर दानियाल, यू नो ही लव्स टू रीड। ऑफ कोर्स। एनीवेज, हम चलते हैं, बट डू कॉल मी। एंड नाज़रीन वाज आल्सो आस्किंग कि हम ब्लैक एंड व्हाइट फंडरेजर पे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बहुत अच्छी सहेली है मेरी बेटी, इसकी वेल्सली कॉलेज से ग्रेजुएट करके आई है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट ना? मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि दानियाल और इसका, खैर आई गेस ये खुशी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी। क्या पता आंटी ये खुशकिस्मती दानियाल की हो। हेलो, मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे हैं। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। दो दिन हो गए हैं यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जी सर पहुँचने वाले हैं। ठीक है सर। क्या हुआ? सर को टीम मिली, वहाँ पे फौरन पहुँचना। निकलो निकलो।
हर बार तो हार ही जाता है। अच्छा जी, चलो अरेस्ट करो इनको। मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। पुलिस ने हर जगह घेरा डाला हुआ है। तो ये तो बता, तू क्या कर बैठा है हमीद? अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा, जल्दी कर। तू बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्यों चुप दबे रहा है सबसे? पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुझे? क्या समझ? यहाँ पुलिस के आने से पहले मुझे निकलना होगा, बस तू ही मेरी मदद कर सकती है। चाहता क्या है तू? ऐसा कर, अपने कुछ जेवर मुझे दे दे, जेब में एक पैसा नहीं है, उसी को बेच के अगला ठिकाना ढूंढ लूंगा। सकिया, मैं बहुत एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ, बस तू ये जो मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, लाती हूँ जेवर, ले जा। लेकिन तुझे तेरे बेटे की कसम है, वापस इधर मत आना। वादे के मुताबिक ही पूरी रकम है, कहा था ना मैंने आपसे कि पैसे अरेंज हो जाएंगे। Apparently, वो टिप पुलिस को एक चोरी के फोन से मिली थी। उसकी बीवी क्या कह रही थी? उसे तो पता होगा ना कि वो कहाँ है इस वक्त, क्यों किया उसने ये सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं पुलिस ने उससे। उसके बयान के मुताबिक हमीद घर आया जरूर था, लेकिन उसके जेवर लेकर चला गया। कुछ तो पता होगा उसको, इसीलिए पुलिस उसके घर की निगरानी करवा रही है और उस जगह की भी जहां से फोन चोरी हुआ है। तुम कितने खुशकिस्मत हो, अहला को आखिरी दफा तुम ही ने देखा था। उसकी आखिरी मुस्कुराहट तुम ही ने देखी थी। मुस्कुराहट बार बार याद आती है। क्या था उसके आखिरी लफ्ज बताओ मुझे, कैसी लग रही थी वो? खुश थी? Just looking beautiful. मामा भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। But how dare she? अच्छा calm down, एक तो तुम इतनी dramatic हो। मम्मी आपको नहीं पता आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, उन्होंने मुझे इतना इंसल्ट किया है। उनका बस चलना तो मैं मर जाऊं लेकिन उनके बेटे से शादी ना करूं। क्या हुआ है? थ्रू आउट द टाइम ब्रंच पे उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया जैसे वो बहुत एम्बैरस्ड है मुझसे, अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया बल्कि उल्टा मुझे ताने दे रही थी। अब देखो भाई, दानियाल ने उनसे बगैर पूछे तुमसे मंगनी तो कर ली है। It's gonna take some time for her to adjust. थोड़ा time लगेगा उन्हें। नहीं, but how does that make sense? मतलब वैसे तो वो बहुत योगा करती हैं, meditation, very spiritual. वो सब कहाँ गया? No, that's different. अंदर से सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। नहीं, दानियाल ऐसा तो नहीं है ना? जी, इसीलिए आपकी शादी दानियाल से हो रही है, उनसे नहीं। मम्मी, but that's not enough. You know, ये काफी नहीं है। Okay. फिर क्या करना है तुमने? देखो, मैंने तुम्हें मजबूत बन के हल तलाश करने की ट्रेनिंग दी है, इस तरह रो धो के हार मानने की नहीं। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूं, नेवरदलेस। पर ऐसे टैंट्रम थ्रो करने से तो कुछ नहीं होगा ना? आई थिंक यू आर राइट, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये आदमी यहाँ जेवर बेचने के लिए आया था? इस शक्ल के आदमी को तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर ये दिखे ना यहाँ कहीं तो साथ वाले थाने में इत्तला कर देना। ठीक। और ऐसी दुकानें हैं यहाँ? हाँ, इस तरफ हैं दो तीन दुकानें। सामान? जी सर। आप किसकी इजाजत से वहां गई थी? एमजे मैगजीन ने तो आपको जाने को नहीं कहा था। सर, इंटरव्यू के वक्त बताया था ना कि मैं वीलॉगिंग भी करती हूँ, आप तो इतना इम्प्रेस हुए थे उससे।
तो करें ना व्लॉगिंग, एक्टर्स पर बात करें, ड्रामे रिव्यू करें। सर ये भी तो बताया था कि मुझे क्राइम जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है। देखें बीबी, आप इंटर्न हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। अब आप जाएं यहाँ से और दोबारा ये गलती ना हो। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये कुछ जेवर बेचने थे। जेवर जी? प्रिंटर की तरफ जा रही हो? जी। तो मेरे पेपर भी लेते आना। ले आए? डेस्क पर पड़ा है मेरा पेपर। यानी तो मेरी अम्मी की गलती की सजा मुझे देना चाहती हो? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझे इंटिमिडेट करती हैं। आयला, देखो मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ तुम्हें बहुत पहले बता दिया था। आई हैव नथिंग इन कॉमन विद देम। बाबा ने हमेशा मुझे अपने से कमतर समझा है, और मामा तो जानती भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ ये सिचुएशन ही ठीक नहीं। सिचुएशन? देखो आई अंडरस्टैंड कि मामा तुमसे बहुत रूड हो जाती हैं, इसीलिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी अपोलॉजी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस घर में जा ही नहीं सकती जहाँ मैं वेलकम नहीं। वो मेरा घर भी तो है। मगर शायद हमारा नहीं। क्या कहना चाह रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शादी के बाद हमें अलग रहना चाहिए। मैं बार बार अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डाल सकती। मगर आयला, ट्राई एंड डिस। अगर मगर कुछ नहीं, मैं इस बारे में मज़ीद डिस्कशन नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मेरे साथ रहना है, तो शादी के बाद हमें अलग घर लेना होगा। मैं रोज रोज की तानेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
लेके चलो इसको। क्या सोच रहे हो दानियाल? देखो ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए भी कह रही हूँ। तुम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करो? A life that is maybe independent? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अपने बाप से क्या कह रहे हो? बाबा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या क्या कह रहे हैं? आप तो बड़े खुश हो रहे थे ना, जश्न मना रहे थे कि बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया है, लड़की भी ढूंढ ली है। देखा, मैं गलत तो नहीं कह रही थी ना? मामा इस सारी बात का आयला से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। तो इसका मतलब ये तुम्हारा फैसला है कि शादी के बाद तुम हमसे अलग होना चाहते हो? अलग अलग होने की बात कौन कर रहा है बाबा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम क्या चाहोगे, तुम कब से चाहने लगे? और ये जो अचानक तुम्हारे पर निकल आया ना, इसकी वजह मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बाबा कि मैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूं। कब तक एक इंसान अपने बाप के परों के नीचे जिंदगी गुजार सकता है? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? I'm sorry. आज से पहले तुमने कभी भी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी ठीक कहती है, उस लड़की ने तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने हमेशा वही किया है जो आपने मुझे कहा है। मैं दुनिया के सामने कमजोर ना रहूं, यही चाहते थे ना आप? दुनिया के सामने? अपने माँ बाप के सामने नहीं। बस सुन लो, अगर शादी के बाद तुमने अलग होने की बात की तो क्या आकर देंगे आप मुझे? तो ये धमकी तो आपने तब भी दी थी जब मैं शादी नहीं कर रहा था। दानियाल मामा प्लीज। बाबा ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है। अगर इस बात पे आप लोग मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। And for the last time, शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो करना है कंप्लीटली अप टू यू गाइस। देखा, ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। अब तो यकीन आ गया ना मेरी बात पे, आई वाजंट रॉन्ग। अगर ऐसी बात है तो वो लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उसे पता ही नहीं कि वो किस खानदान में आने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुजीब, मेरा नाम एशली विक्टर है और मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा वक्त इस्तेमाल नहीं करूंगी। सच सच बता, वो टिप तूने ही दी थी ना हमें? बड़ा बेगैरत निकला, अपने यारों को पकड़वा दिया तूने, क्यों? तूने अपनी बीवी के जेवर चुरा लिए जो उसने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बचा के रखे थे। इतना घटिया आदमी है तू। तूने अपने मुंह से क्यों किया था, किसने किया था, क्यों मारा उस मासूम लड़की को? मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। देख बकवास मत कर, खुलकर बात कर। ये कत्ल मैंने खुद से नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। हाँ सामिया, हाँ क्लाइंट से कहो कि आज मीटिंग अपने वक्त पे होगी, हम आज से काम शुरू कर रहे हैं। सब क्या है? दानियाल मुजीब कहाँ है?
पहले आप मेरे सवाल के जवाब। जाओ अंदर जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ मैं। तफ्तीश। किसने हायर किया था तुझे ये सब करने को? दानियाल साहब ने। ये सब उन्हीं ने करवाया है। क्या क्या बकरा है? वो ये सब क्यों करवाएगा? मैं सब कुछ आपको बताता हूं। अचानक बैठे बैठे ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हारे जहन में? गलत ख्याल है तो बताओ। ऑफ कोर्स गलत है। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो तुम्हें प्रपोज क्यों करता? खैर, प्रपोज करने की तो और भी बहुत वजूहत है। जैसे कि तुम मुझसे वाकई शादी इसीलिए करना चाहते हो ना क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, या कोई और वजह? बहुत प्यास लग रही है, पानी लेके आता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? जी नाजरीन, अभी अभी खबर मिली है कि आयला नदीम के केस में उनके शोहर दानियाल ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा ना तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करती हूँ। चुप करके बैठो। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी ये फजूल किस्म की मेडिटेशन और क्रिस्टल तुम्हारे बेटे को रिहा नहीं करवा सकती। जब हमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम क्या कर सकती हो? फिर भी आप वापस लेकर आए, वो कब तक रखेंगे उसे? अरे तुमने सुन तो लिया है, 3 दिन का रिमांड लिया है पुलिस ने, उससे पहले वो नहीं आ सकता यहाँ। लेकिन क्यों? किस सबूत की बात कर रही हैं सहाफी? बकवास कर रहे हैं सारे, क्या सबूत हो सकता है? हम सब जानते हैं कि दानियाल ऐसा कर ही नहीं सकता। 3 दिन का रिमांड लिया है, कोई वजह तो होगी। नसीमा, कम से कम आप तो यकीन करें हम पर, आप तो ऐसा ना सोचे। तुम तो जानती हो दानियाल आयला से कितनी मोहब्बत करता है, जिद करके शादी की थी उसने। सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? अच्छा, मान लिया कि तुमसे ये जुर्म करवाया गया तो इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कितने पैसों में वादा किया गया था? सर, आपने कहा था कि कोई एक जरूरी बात करनी है। मेरा काम करोगे? जी सर, हुक्म कीजिए। लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एक्चुअली विक्टर, आपके यूट्यूब वीडियोस में बहुत गौर से फॉलो कर रही हूँ। आपने कहा है अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपसे कॉन्टैक्ट करें। आयला की दोस्त हूँ, ये वॉइस नोट सुन लीजिए और साथ में दानियाल के बारे में एक और भी बहुत ज़रूरी बात है जो आपको बतानी, शायद आयला ने मेरे अलावा किसी और को नहीं बताई। कुछ पूछ रहे हैं? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? 3 हफ्ते बाद शादी है हमारी और मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। क्या होने वाला है मेरे साथ? आई नीड टू नो, बताओ मुझे। आयला, तुम ठीक कह रही हो, शायद ये शादी वाकई एक बहुत बड़ी हिमाकत है। जितनी जल्दी रुक जाए उतना बेहतर है। वेडिंग इज ऑफ। ठीक 8 बजे गाड़ी नहीं चलनी चाहिए और बोलना मत, काम हो जाना चाहिए और इसको शर्त भी ना।
ये तो मैं आपको बता रहा था सिर्फ। इस ड्राइवर को तुमने इसरार करके हायर कराया था ना, कहाँ से मिला था ये आदमी? जरूरतमंद बनकर घर पर आया था, सिर्फ एक महीने की नौकरी करने के लिए भी तैयार था। मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पर कोई भी राह चलता हुआ आदमी आकर दस्तक देगा और उसको हायर करा दिया जाएगा? बाकी मुलाजमीन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, बाकी स्टाफ के तो शिनाख्ती कार्ड मंगवाए गए थे, बाकायदा बैकग्राउंड चेक करवाया गया था, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं? वो साहब जी, जी साहब ने कहा है कि इसका आईडी कार्ड है ना, मत भूलिएगा। आईडी कार्ड है आपके पास? सर वो तो मैं घर भूलकर आ गया हूँ आज। चलें कल ले आइएगा प्लीज। कोई बात नहीं, कल मैं खुद बैकग्राउंड चेक करवा लूँगा। ओके सर। हाय व्यूअर्स, आयला नदीम के केस में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। एक एनोनिमस सोर्स से मुझे इस बात का सबूत मिला है कि शादी से सिर्फ 3 हफ्ते पहले दानियल मुजीब ने खुद मंगनी तोड़ने का फैसला किया था। नाउ इजंट दैट स्ट्रेंज? बक, क्या वजह थी, क्या वादा किया था दानियल ने? क्या ख्वाब दिखा सकता है अमीर गरीब को, बोली लगाकर खरीद लिया जाता है हमारी मजबूरी को। कितने में लगी तेरी बोली? लाखों में खरीदे गए या करोड़ों में? 70 लाख छोटी रकम नहीं होती। जानता हूं। तो इतनी बड़ी रकम शादी से कुछ अरसा पहले तुमने अपने अकाउंट से निकलवाई और हम जानते हैं कि किसके अकाउंट में गई। यह बात को कहां से कहां घुमा रहे? उस पर भी बात करेंगे। पहले ये बताइए कि उस रात आप अपनी बेगम को जिस रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, वहाँ के कैमरा से हमें कुछ पता चला है कि आप डिनर के दरमियान कोई 10-15 मिनट के लिए कहीं गायब हो गए थे, और उसी सीसीटीवी फुटेज से हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप कहाँ गए थे और किससे बातें कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर है कि दानियल मुजीब गौर से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम बताओ क्या बात हो रही थी तुम दोनों के दरमियान उस वक्त? मैं कह रहा हूँ सच सच बताओ, क्या समझा रहे थे अपने ड्राइवर को उस वक्त, क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के दरमियान? गॉड, 10 बजने वाले हैं और अभी एक और सरप्राइज बाकी है। तुम कहाँ रह गए थे? रेस्टरूम गया था। इतनी देर ऐसा क्या खा लिया था? व्हाटएवर, बस जल्दी खत्म करो बिकॉज वी हैव टू गो। हाउ द फूड? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सारा भी अपनी बीवी और बच्चे के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, अपने लिए थोड़ी किया था, तुम दोनों के लिए भी किया था। तंग आ गया था मैं छोटी छोटी चोरियां करके। बड़े घर का लड़का है वो, किसी ना किसी तरह से रिहा हो जाएगा। तेरा क्या होगा, सारी उम्र जेल में पड़ा सड़ता रहेगा? यकीन कर मेरे पर जखिया, मैंने जो कुछ किया हम सबकी बेहतरी के लिए ही किया था। उसने मेरी गुर्बत का फायदा उठाकर खरीद लिया मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई उसके झूठे वादों पर यकीन करके। कहती थी ना मैं, हराम के पैसे की हवस हमें ले डूबेगी। यही हुआ, लेप काटते काटते आज सारे मौत के सामने खड़ा है तू। ऐसा मत बोल, मुझे सजाए मौत नहीं होगी, मुझे कत्ल करवाया गया है।
नसीमा ये रख लो, ये दिल को ताकत देता है और हिम्मत देता है, इट्स गुड फॉर यू। मैंने मुजीब भाई से बात कर ली है, मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। नसीमा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जहन में तरह तरह की बातें चल रही हैं, और मैं ये भी पहचानती हूँ कि मैं उन माओं में से नहीं हूँ जिन्होंने बेटे को गले से लगा के पाला हो, लेकिन मेरे दानियाल ने ये सब नहीं किया। तो फिर किसने किया है और क्यों किया है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ मैं कुछ करती हूँ ना, मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर हम कायनात पे सब कुछ छोड़ देना तो फिर सितारे गर्दिश करके ना सारे जवाब दे देते हैं। मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मिस नसीमा बात कर रही हैं? जी मैम, मैं एशली विक्टर हूँ, एक फ्रीलांस व्लॉगर। मुझे दानियाल मुजीब के बारे में आपसे कुछ सवालात पूछने थे। देखिए मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। नहीं मैम, मैं बस इतना जानना चाहती थी कि आज जो अखबारों में खबरें छपी हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब क्या आप जानती थी कि दानियाल मुजीब सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करना चाह रहे हैं? हेलो, खैरियत, कौन था? कोई बदतमीज सहाफी। ओह माय गॉड, उनको आपका नंबर भी मिल गया? वैसे भी सोशल मीडिया पर तो आजकल हर कोई सहाफी बना फिरता है। आए चले। मुजीब भाई, सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आपने दानियाल पर शादी की शर्त रखी थी? अरे भाई, सोशल मीडिया का तो काम ही यही है, अफवाहें फैलाना। दानियाल हमारा इकलौता बेटा था और मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो शादी करे, और जब उसने आपकी बेटी का जिक्र किया हमने फौरन हामी भर दी। उसने हमसे कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा ना वो मेरे पसंद की होगी, आप लोगों की पसंद की नहीं होगी। दानियाल जान छिड़कता था आयला पर। आयला से मंगनी तोड़ दी है मैंने, और बिल्कुल ठीक किया, ये शादी नहीं हो सकती। पहले तो बस शक करती थी कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आप, इसको यकीन हो गया है कि मैं उससे नहीं, आज भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। आई थिंक शी इज राइट। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका नाम इस सब के बीच में नहीं आएगा। आपने मुझे ये वॉइस नोट्स भेजकर बहुत अच्छा किया। आप आयला की बेस्ट फ्रेंड थी तो आप इतना तो जानती होंगी कि उसको शादी से पहले किस बात का डर था, और दानियाल ने ऐन वक्त पर मंगनी क्यों तोड़ी, क्या वजह हो सकती है? पहले तो सिर्फ मुझ पर शक करती थी कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि मैं उससे नहीं, आज भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। एंड आई थिंक शी इज राइट, आई स्टिल लव यू। झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। 3 हफ्ते बाद शादी है हमारी, और मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। क्या होने वाला है मेरे साथ? I need to know, बताओ मुझे। ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये सब जो देख रही हूँ ये गलत है क्या? दानियाल मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या है ये? ये स्केचेस मैंने बहुत पहले बनाए थे। By the way, तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरी स्केचबुक क्यों खोली? मैंने तुम्हारी स्केचबुक नहीं खोली, ये सब कुछ तुम्हारे डेस्क पे ऐसे ही पड़ा था, और हैरत की बात ये है कि इसमें से एक भी स्केच ऐसा नहीं है जो उसका ना हो। खुद बताओ ये बात तुम्हें अजीब नहीं लग रही? मैं मंगेतर हूं तुम्हारी, और इसमें एक भी स्केच मेरा नहीं है। क्यों, रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ?
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बोलो दानियाल, क्या रिश्ता है तुम्हारा? हाँ, अब नहीं है। मोहब्बत करता था मैं सामिया से और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। हैप्पी नाउ? शर्म नहीं आती तुम्हें? बल्कि उससे शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की मुलाजिम है वो, तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। सो मैं भी तो वहीं पे काम करता हूं जहां वो काम करती है। सो व्हाट? वाह, तुम तो अब भी उससे मोहब्बत करते हो। हाय व्यूअर्स, यू विल नेवर बिलीव दिस। दानियाल मुजीब ने आयला नदीम के साथ मंगनी तो कर ली थी, लेकिन वो अब भी अपने डैड की एम्प्लॉय सामिया खान के साथ इन्वॉल्व था। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। जी, आप देख रहे होंगे कि एशली विक्टर के नाम से एक ब्लॉगर हैं और उन्होंने एक अजीब सा सबूत पेश किया है, जिससे अब ये मालूम हो रहा है कि दानियाल मुजीब का किसी औरत के साथ अफेयर था। और सबसे अजीब बात यह है कि अफेयर एक बड़ी उम्र की औरत सामिया खान से था, जो उनके बाप के ऑफिस में काम करती थी। शहजाद, मुझे जेनेक्स की फाइल ला दो प्लीज। मैडम, सर मुजीब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। हाँ, लेकिन फाइल तो दे दो मुझे। नहीं मैडम, पहले आप एमडी साहब से मिल लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है, ये कल की मीटिंग में हम फैसला कर लेंगे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक सवाल पूछने के लिए बुलाया। जी, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम्हारे और दानियाल के बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं, वो झूठ हैं या सच? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सच है सर। व्हाट? आई एम सॉरी सर। 12 साल, 12 साल तुमने मेरे साथ काम किया, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, शाहना ने भी बिल्कुल तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रस्ट किया। आंख बंद करके हम तुम पर भरोसा करते रहे और उसका यह सलाह दिया तुमने। सर, इसी गिल्ट की वजह से मैंने दानियाल से। बस सामिया, तुमने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। सर प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक मौका दे। मैं मौका? तुम मुझे डिसीव करके अपनी सफाई का एक मौका मांग रही? शर्म आनी चाहिए। लीव माय ऑफिस। सर प्लीज। आई सेड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस।
हेलो, एशली बोल रही है जी, मैं अब आपसे मिलना चाहती हूँ। आई आप यहां क्या लेने आई हैं? क्या चाहती हूँ, यहाँ क्या लेने आई हूँ, अभी तुम्हें सब समझा दूंगी मैं। हाँ, मैं सर को बता दूंगी, ये अकाउंट सब मैं हैंडल कर रही हूँ, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही कर लो। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आइए। हाय दानियाल। हेलो, आज से ज्वाइन करो। और मेरी बदकिस्मती यह है कि इस बुद्धू को मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। आई नीड योर हेल्प सामिया। श्योर सर, बताइए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी उंगली पकड़ कर इनको ट्रेन करता फिरूं, तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। आई विल बी हैप्पी टू। सीखो भाई, कुछ काम की चीज सीखो, हर वक्त ये स्केच बुक और ड्राइंग में मत लगे रहो, ठीक है? ओके। ट्रेनिंग का पहला सबक, स्केचिंग, ड्राइंग और ऐसी सारी क्रिएटिव चीज़ें इस फील्ड में फजूल नहीं बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यू आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। ये बात आप बाबा को समझाएं। इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आज मैं तुम्हें इस फील्ड की क्रिएटिव साइड दिखाती हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर एक महीने के अंदर अंदर सर को भी पता चल जाएगा यू आर वेरी टैलेंटेड। आई डाउट इट। ट्रेनिंग का दूसरा सब, नेवर डाउट योर सेल्फ। ओके ओके। मिस सामिया, बाहर पुलिस आई है, वो कह रहे हैं आपको उनके साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। शेरू आ गया तू? चल हाथ मुंह धो के आ जा, तेरे लिए सब्जी पका रही हूँ। सब्जी छोड़, मैं ब्रोस्ट ले आऊं तेरे लिए। ब्रोस्ट कहाँ से आया? ये कहाँ से आना है, बाजार से। और कहाँ से? किसके पैसों का लाया है? अपनी अपनी कमाई से लाया हूँ। बस अब तू फिक्र ना कर, अब मैं घर चलाऊंगा अब्बा की तरह। चल बैठ, होल्डिंग भी लाया हूँ तेरे लिए। मुजीब जमान के बाकी सब मुलाजिमों के बैकग्राउंड चेक्स आपने किए, इस बार क्यों भूल गई या करने की ज़रूरत महसूस नहीं की? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं हुई। दानियाल ने मुझसे ना कुछ पूछा है और ना कुछ कहा था। मतलब किसी ने शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगा सर ने या दानियाल ने खुद से ही वेरिफिकेशन करवा ली होगी, और उनके घर के मामूलात की जिम्मेदारी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आती। चले आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पर बात कर लेते हैं, कितनी तनख्वाह मिल जाती है आपको महीने की? बता चुकी हूँ मैं आपको। बोनस भी मिलते होंगे? हाँ, अगर मुजीब साहब। मुजीब साहब नहीं, लगता है आखिरी बोनस आपको उनके बेटे से मिला था, है ना? What? देखिए बीबी, एक अजीब सी चीज़ सामने आई है। दानियाल मुजीब ने अपने अकाउंट से जितनी रकम निकाली थी, चंद दिन बाद उतनी ही रकम आपके अकाउंट में आई। अब सवाल ये उठता है कि दानियाल ने वो पैसे आपको क्यों दिए थे,
किस काम के लिए दिए थे, क्या मंसूबा बनाया गया था दानियाल के साथ, और इस रकम के बारे में कंपनी में और किसी को क्यों नहीं पता सिवाय आप दोनों के, खास तौर पर आपके बॉस मुजीब जमान। ये बटवा किसका है? नाम पूछ के थोड़ी काटी तुझे? तू अपने अब्बा की तरह जेब कतरा बन गया है? बनाई तो सिखाए सब कुछ, तो क्या सारी जिंदगी उसकी तरह जेल में सड़के गुजारनी है? अब्बा चोर थे, कातिल नहीं। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। अपने लिए नहीं बोला था, सामिया के लिए बोला था। उसने तो फौरन इतराफ कर लिया। क्या कहा उसने? क्या कहती हूँ, कहने के लिए रहा ही क्या था। मेरे मांगने से पहले खुद ही इस्तीफा देकर चली गई सर झुकाकर। क्या अभी भी उससे हमदर्दी हो रही है? देख लो, आज तुम कैद में हो और वो आजाद। आजाद तो उसने मुझे किया था। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा, हमेशा इंसल्ट किया आपने मेरे, हमेशा मुझे ताने दिए, हमेशा मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं। और मामा तो बस अपनी दुनिया में गुम हर वक्त। सिर्फ सामिया ने मुझे समझा, उसने मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट लिया, मेरे ख्वाबों को समझा। फजूल बातें मत करो। फजूल बात नहीं है, ये हकीकत है। आपने तो मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया बाबा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं वो सब नहीं करना चाहता जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। सिर्फ सामिया ने मुझे समझा, उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। उसने वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था। तुम कहना क्या चाह रही हो? शादी के लिए शर्त रखी थी ना आपने, काश आपकी ये शर्त में सामिया से शादी करके पूरी कर सकता। तो तुम क्या समझते हो मैं तुमसे उम्र में बड़ी एक लड़की से तुम्हारी शादी पर राजी हो जाता? कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। आई नो, इनफैक्ट हम दोनों जानते थे, इसीलिए कभी आपसे जिक्र ही नहीं किया, आपसे कभी कुछ शेयर नहीं किया। और शायद अगर आज मैं इस कंडीशन में आपके सामने हूं तो इसकी वजह सिर्फ आप है। और क्या जानती हो तुम? मैम आई कांट। देखो मेरा पहले ही सब पर से भरोसा उठ चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किसे ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ मैं इस फैमिली से टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अपने बेटे को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हें इसके बाद कुछ भी पता चले, कोई भी सबूत मिले, तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। खे, आयला के लिए हम सब इंसाफ चाहते हैं, और हाँ मैं वादा करती हूँ मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आपसे रब्ता करूँगी, मगर ये करने के लिए मुझे भी आपकी ज़रूरत है। आप दानियाल मुजीब से मिल सकती हैं ना? तो फौरन उसके पास जाइए और उसके बाद सामिया के पास, और दोनों से एक ही सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब,
मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। Thank you. We are happy that you are happy. Definitely. We are looking forward to working with you again. Thank you. Well done, bhai. Client bahut khush lagta. Concept team ko meri taraf se congratulate kar dijiyega. Actually, sir, iska asal credit kisi aur ko jata hai. Acha. Are nalay. Phone call khatam ho gayi hai. Ye notes lena band karo. एक्चुअली सर, क्लाइंट जिस कैंपेन की बात कर रहे हैं वो सारा का सारा आइडिया दानियाल का था। He did it. Really? तो अब ये मैनेजमेंट छोड़ के ये काम करेगा? मैनेजमेंट तो इंसान कभी ना कभी सीख ही लेता है, लेकिन क्रिएटिविटी हर किसी के बस की बात नहीं होती, और उसके बगैर ना हमें क्लाइंट्स मिलते हैं और ना ही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ओके जी, यहाँ जरूरत थी ये सब कहने की, क्योंकि सच था इसलिए। चलो अगले मीटिंग की तैयारी करनी है, गेट अप और ये नोट्स लैला को दे दो। क्या हुआ, क्या लिखा है तुमने? हाँ, अच्छा नहीं लगा। इट्स नाइस। मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, प्लीज। आई थिंक तुम्हें मुझसे बेहतर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप जैसा नहीं, पॉसिबल? अच्छा, आई थिंक हमें इस मौजू पे बाद में बात करनी चाहिए। कैन यू गो एंड प्रेप फॉर द मीटिंग? थिंक अबाउट इट। सारा मजा खराब हो जाएगा। अपने टेस्ट को एंजॉय करें, हर एक बाइट पे अपना मजा। कहाँ से खराब हुआ है, कब से तारीफ तो कर रही हो। वाकई अच्छा लगा। इट्स डिलीशियस। सीरियसली, एटलीस्ट तुम्हारी वजह से मेरा किचन तो यूज हो रहा है। डोंट वरी, जब कहेंगी शेफ दानियाल हाजिर है। सच कह रहा हूँ यार, मतलब नाश्ता आप अक्सर करती नहीं है, लंच मीटिंग्स में हो रहा होता है, और डिनर वो तो होता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी जी जाती है जिंदगी। जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली मैंने। क्या प्रॉब्लम है? हम्म, क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, हमेशा से तो ऐसी नहीं होंगी ना। सारा दिन सारी शाम ऑफिस, रोज रात को घर अकेले खाना खाना, और अगले दिन सेम वही रूटीन। इंसान बिजी रहे तो ऐसी फजूल बातें दिमाग में नहीं आती। दैट्स व्हाई। एक्चुअली आई वांट टू नो, किसने दुखाया आपका दिल? कौन है वो बदकिस्मत जिसने आपको खोया? इसे अगर खोया तो गुड फॉर मी, आई फील लकी। Like I told you before, divorce के बाद मुझे इन चीज़ों में अब दिलचस्पी नहीं है, so maybe that's why. अगर मुझे है, आप जानती हैं मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। Just cannot stop thinking about you.
हेलो जी बाबा, मैं हसीब की तरफ वाए। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, चलें गुड ऑफिस। अरे मुझे खाना तो खाने दो। ओह यू नॉट फिनिश्ड? नो सिट। नो मुझे मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है, देर होगी। आई थिंक यू शुड गो होम नाउ। सीरियसली? या आई रियली हैव टू गो। जानता हूं आप क्या पूछने आई हैं। हाँ मैंने जुर्म किया है, आई एम गिल्टी। छत से सारी लाइट्स उतार ली थी ना, गार्डन में जो टेबल्स पड़ी वो भी ले जाएगा। 75,000 है। हमीद आप भी अपनी तनख्वाह ले लीजिएगा नेक्स्ट वीक, आपने बहुत हमारी मदद की शादी के दिनों में। थैंक यू सो मच। आप यहाँ? हाँ बस सर ने कहा था कुछ पेमेंट्स क्लियर करनी है, वापस जा रही हूँ ऑफिस। आयला कहाँ है? रूम में। क्या सोचा तुमने उस बारे में जो हमने डिस्कस किया था? देखो वक्त जाया मत करो, यही वक्त है। चल हमीद तेरी मुलाकात आई है। आयला हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ। राइट सामने? राइट। किधर? बस एक काम मुझे। अच्छा हमीद को साथ मत लेके जाना, मुझे सैलून जाना है। नहीं वो मेरे साथ आ रहा है। तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ दानी, मुझे सैलून जाना है। आई कैन नॉट, हमीद से एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझे। इट्स ओके मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, सैलून ऑफिस के रास्ते में है। तुम्हारे कपड़े चेंज कर लो। क्या हो? ज़किया तुम एक बात मुझे सच सच बता दे। अब मुझसे और कुछ मत छुपाना। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। बता सकोगी तुम?
दीवारों और छत पे धीमक ही धीमक है, और बारिश के मौसम पे तो पानी टप टप करता होगा इस छत से। लेकिन सर पे छत तो है ना, यही बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तुम्हारा बेटा अपने बाप के बारे में नहीं पूछता क्या? आप मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछने नहीं आए, जो पूछना है पूछिए। मुझे तुमसे एक काम है। ये क्या है? ले लो। आपको अगर लगता है कि ये पैसे दे के आप मुझे खरीद लेंगी तो बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। क्यों, कौन सा ये घर पहले हलाल के पैसों से चलता था? रख लो, तुम्हें ज़रूरत है। ज़रूरत तो इंसान को बहुत सारे काम करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये भीख देने से आप मुझे और मेरे घर वालों को ख़रीद लेंगी तो ये नामुमकिन है। मेरा शौहर अपना बयान नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा है? आपको अपने बेटे पे भरोसा है? तुम्हें तुम्हारा शौहर खुश रखता था ना, उसका कहना है कि मेरे बेटे ने उसको पैसे दे के ये जुर्म करवाया है। हाँ, मैंने जुर्म किया है, आई एम गिल्टी। धोखा दिया आप सबको, झूठ बोला है आप सबसे। मुझे आयला के साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने आयला को सिर्फ पसंद किया, उससे मोहब्बत नहीं की। यह है मेरा जुर्म। मैंने फिर भी उससे शादी की, मैंने आयला से मंगनी तोड़ दी है, और सही किया। ये शादी नहीं हो सकती। पहले तो सिर्फ मुझ पर शक करती थी कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि मैं उससे नहीं, आज भी आपसे मोहब्बत करता हूं। एंड आई थिंक शी इज राइट, आई स्टिल लव यू। देखो दानियाल, अगर तुमने मंगनी तोड़ दी है तो ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन हम दोनों के बीच जो कुछ था वो अब नहीं है, खत्म हो चुका है, यू नो दैट। सब कुछ आपने खत्म किया है, मैंने नहीं। आपने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी। क्योंकि और कोई चॉइस थी भी नहीं, इसलिए। एक्सक्यूज मी, कैसे कह सकती हैं दानियाल, प्लीज, यू नो दैट वी आर ओवर। नो वी आर नॉट, आई स्टिल लव यू। मैं उससे शादी नहीं करूंगा, नाउ व्हाट? ठीक है, मत करो शादी उससे, लेकिन प्लीज ये बात समझ लो कि मेरी और तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं, ना पहले थी ना अब है। ओके समीर, रिलैक्स। नो, यू लिसन टू मी। आयला अच्छी लड़की है, वो तुम्हें खुश रखेगी, वो तुम्हें बहुत चाहती है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हें मंगनी तोड़नी है ना तो ठीक है तोड़ दो, लेकिन ये बात जान लो कि हम सिर्फ दोस्त हैं। नो वी आर नॉट, वी आर नॉट। दानियाल, तुम्हें मेरा फैसला पता है, मैं उस रात तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो कोशिश कर तो रहा हूँ यार। आई एम सॉरी, लेकिन सामिया प्लीज आप भी समझें, वो आप जैसी बिल्कुल नहीं है, एक भी बात नहीं है आप जैसी, और इस बात का एहसास मुझे हर रोज होता है यार। तुम क्यों कर रहे हो हम दोनों को कंपेयर? हाँ, वाई आर यू डूइंग दिस? एक बात समझ लो, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। यू हैव टू टेल हर द ट्रूथ, उसकी वजह तुम हो, वो नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ आयला को बता दिया था, सब जानती थी। जब से तुमने सब कुछ मुझे बताया है, मैं बहुत कंफ्यूज फील कर रही हूँ। देखो, इसलिए मैंने खुद ये मंगनी तोड़ी है। आई नो तुम ये डिजर्व नहीं करती हो। क्या तुम सामिया को अपनी जिंदगी से भुला सकोगे? एंड रिमेम्बर, नो सीक्रेट्स। भुलाना चाहता हूँ, और सच में यही सोचा था कि एक बार इस चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा,
देखो, हो सकता है कि अभी हमें सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन शादी के बाद ये इतना मुश्किल ना हो। कुछ तो कहो। तुम्हें पता है दानी, अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि रिश्ते में एक शख्स प्यार करते हैं और दूसरा प्यार करवाता है। आई थिंक आई नो मैं इस रिश्ते में कौन हूं। हाय समिया खान, कैसी हैं आप? मुझे आपसे कुछ स्टेटमेंट्स। क्या लगता है तुम्हें कैसी होंगी मैं? लुक, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। जॉब? रियली? एटलीस्ट इस हॉबी को तुम जॉब मत बोलो। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, आपकी नाराजगी जस्टिफाइड भी है। गुस्सा नहीं है ये, ना ही नाराजगी है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। यू नो, तुमसे जब मैं पहली दफा मिली थी ना, मुझे लगा था कि बहुत काबिल लड़की है, एक दिन बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई योर पोटेंशियल, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। जानती हो ये जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हो, जो जो तुम उस पर बोलती हो, जो शोशे छोड़ती हो, उससे क्या होता है? लोगों की जिंदगियां खराब होती है, तबाह हो जाती है। जस्ट लुक एट मी नाउ, कहीं पे भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। सब लोगों को लगता है कि आयला के मर्डर से मेरा कुछ लेना देना है। तो मैंने ऐसी तो कोई बात कही नहीं अपने वीडियोस। तुम्हें जो कुछ कहना था ना, तुम कर चुकी हो। एटलीस्ट कोई और जर्नलिस्ट होता ना, वो अपनी रिसर्च पहले करता। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो तुम कुछ करना चाह रही हो ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ज़रूरी नहीं है कि हर खबर सनसनी खेज हो, उसका सच होना लाजमी होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आयला की मदर से कॉन्टैक्ट किया था, वो भी हैरान थी ये सुन के। आई नो, इसीलिए मुझे जो कुछ भी कहना है मैं उनको कह चुकी हूँ। एंड नाउ यू लीव मी अलोन। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, बता सकोगी तुम? ये सच है कि दानियाल मुझे पसंद करता था, शायद मैं भी करती थी, लेकिन हमारे बीच रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो ये जो सब कुछ हमारे दरमियान है, ये खत्म हो रहा है? हाँ, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। आप क्या चाहती हैं यार? कितनी बार बताऊं तुम्हें? आप ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आप पापा के ऑफिस में काम करती हैं और मेरे पेरेंट्स के बहुत एहसान आते हैं आप पे। शायद, या शायद इसलिए कि ये रिश्ता कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए था। आप कैसे कह सकती हैं कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? दानियाल, हम दोनों के बीच जो हुआ वो गलती थी, भूल जाओ उसे। आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। वक्त आसानी पैदा कर देता है, कोशिश तो कर सकते हो ना। नहीं करनी मुझे कोई कोशिश यार। दानियाल प्लीज स्टॉप इट, तो मेरा इरादा तब्दील नहीं कर सकते। ये सोचो कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम दोनों की जिंदगी बहुत फर्क है। फर्क? सामिया लिसन, आप पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स हैं जिसने मुझे समझा है। दानियाल, लिसन, लिसन। फिर तुम मेरे फैसले को भी समझो। हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ फैक्ट, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। शादी करो किसी से। आई एम श्योर इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करे, चाहता हो तुम्हें। हाँ बिल्कुल होगा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा।
लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी है। I'm sorry. Hi viewers, मुझे आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आज मैं कोई नई डेवलपमेंट के साथ आपके सामने नहीं आई हूँ। अभी कोई यकीन से कह रहा है कि दानियल मुजीब गिल्टी है, तो कोई सामिया खान के ऊपर उंगली उठा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइवर के साथ मुजीब जमान और उनकी बीवी के ऊपर भी शक कर रहे हैं। मेरी वीडियोस ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को सबूत के तौर पे नहीं बल्कि क्लूज के तौर पे देखें, क्योंकि असल में उस रात क्या हुआ था और असल मुजरिम कौन है, इसके बारे में अभी तक हम में से किसी को भी नहीं पता। तो एक बात मुझे सच सच बता दे, सखिया, तू क्यों पूछ रही है ये? क्योंकि मैं जानती हूं तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तू बता देना सच, क्या हुआ था उस रात? जानती तो है। देख हमीद, तेरे पास अभी भी वक्त, मेरा जमीन मुझे रातों को सोने नहीं देता। तेरा अपना बच्चा तेरी तरह चोरियां करने लगा है, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। ये दुनिया आरजी है हमीद, दुनियावी सजा से बचने के लिए खुद को दोजख की आग में मत धकेल। तेरे साथ जो बंदे पकड़े गए थे उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब तू बता, मुझे बता सच क्या है? पैसे की परवाह बिल्कुल मत करें, एक दफा काम हो जाए ना तो हम पैसे कम करवा लेंगे। मैं चाहती हूँ डांस फ्लोर के कोने कोने पे ना हैंड पेंटेड चुखताई आर्ट, इवन इफ इट्स फॉर वन नाइट। बीबी जी, जी वहाँ टेबल पे रख दीजिए। हाँ चले, मैं आपको बाकी अरेंजमेंट्स दिखा देती हूँ। एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, मेरे बेटे की शादी है। अरे भाई, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, इतनी मुश्किल से उसने हाँ की है शादी के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि पैसा चाहे पानी की तरह क्यों ना खर्च हो जाए, किसी चीज में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए कि मर्सिडीज का क्या हुआ? अबे जा यार, इतने बड़े घर में घुसने के बाद भी वही छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ रही हैं, दफा बे। और तू कोई ऐसा जुगाड़ क्यों निकालता कि तुझे कई साल तक नौकरी ना करनी पड़े, कोई लंबा हाथ मार। मैं सोच रहा हूँ छोटे साहब से बात करूँ कि शादी के बाद नौकरी कुछ पक्की कर दे मेरी। वो इनकी गुलामी कौन सी पक्की होती है? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो तुझे अपने दफ्तर में लिफ्ट ऑपरेटर रख लेंगे और तेरे दिन बदली हो जाएंगे। अबे जब महल में दाखिल हो गए तो छोटी चोरियाँ क्यों करें? अबे क्यों ना एक बड़ा हाथ मार लें। दूसरों की जन्नत को छोड़ अपनी जन्नत बना। सही बोल रहा भैया। छत से सारी लाइट्स उतार ली थी ना, गार्डन में जो टेबल्स पड़ी वो भी ले जाएगा, 75,000 है। थैंक यू हमीद, आप भी अपनी तनख्वाह ले लीजिएगा नेक्स्ट वीक। आपने बहुत हमारी मदद की शादी के दिनों में, थैंक यू सो मच। आप यहाँ? हाँ बस सर ने कहा था कुछ पेमेंट्स क्लियर करनी है, वापस जा रही हूँ ऑफिस। आयला कहाँ है? रूम में। क्या सोचा तुमने उस बारे में जो हमने डिस्कस किया था? देखो वक्त जाया मत करो, यही वक्त है। वैसे भी अब तो शादी की रस्में भी खत्म हो गई हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा उसे। डू समथिंग नाइस फॉर हर। या हमीद बता रहा था कि उसको उस जगह का पता जहाँ की चाय आयला को पसंद है, सोच रहा था उसको वहां ले जाऊं, अच्छा लगेगा उसे।
बल्कि कल रात ही एक सरप्राइज प्लान कर लो। आयला, हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। मेरा काम करोगे? जी सर, हुक्म कीजिए। लेकिन इस काम का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, बताइए। खैर, किसी से मेरी मुराद है आयला को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक चाय वाले ढाबे का पता करने के लिए कहा था जहाँ की कश्मीरी चाय बहुत मशहूर है। जी जी सर, मैंने पता लगवा लिया है, जगह वही है। ऑसम, तो बस मैं आयला के साथ कल वहाँ जाना चाहता हूँ। जी जी सर, कोई मसला ही नहीं है, आप जब बोले मैं आपको पहुँचा दूँगा। वैसे रात में वहाँ रश कम होता है। थैंक्स सर। अब जगह सेफ? जी बिल्कुल सर, आप फिक्र मत कीजिए। वो ऊपर मेरा वेट कर रही है, जैसे यहाँ से फ्री होंगे तो आखिरी स्टॉप चाय ढाबा। जी सर बिल्कुल। हाँ तैयार हो तुम लोग? बस हम एक घंटे में वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने कहा है। हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था, सोचा था कुछ ही देर में बहुत बड़ी रकम हमारे हाथ में आ जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा सोचा था। मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी दूर मुझे ले जाकर हवा में फायर कर दे ताकि मुझ पे शक न जाए और मुजीब जमान के खानदान को लगे कि सबसे पहले मुझे मार दिया गया था। प्लान के मुताबिक मैं वहां से तीसरी लोकेशन पे पहुंचा जहां पर उनको दानियाल को लेकर आना था। हाथापाई में सब गड़बड़ हो गई और वो लोग दानियाल की जगह लड़की को लेकर चले गए। अगर फिर वाली थी सखिया, यकीन कर मैं उसका कत्ल नहीं करना चाहता था। मैं क्या कर बैठा सखिया, ये मैं क्या कर बैठा? मैं तो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा रहता तब भी इतना नहीं कमा सकता था जितना वो एक दिन अपने खाने पे खर्च कर लेते थे। इसे क्या देख रही है, इसे क्या देख रही है? आज तूने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया अमित। झूठी नहीं है, मैं झूठा हूं, लेकिन मैं आपको और झूठ नहीं बोलना चाहता। सब इतराफ करना चाहता हूं, मैं आपकी ये भीख नहीं रख सकती।
अकेले घर कैसे चलाओगी जब कमाने वाला ही नहीं होगा? ठीक, मैं पूछ लेती हूँ, एक बार फिर पूछ लेती हूँ। लेकिन अगर उसने यही कहा कि आपके बेटे के कहने पे उसने कत्ल किया है, तो फिर क्या करेंगी आप? तो फिर मेरा तुमसे वादा है कि मैं अपने बेटे से वही सवाल करूंगी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ अपने शौहर से करो। मुझे तो पूरा यकीन है मेरा दानियाल ये सब नहीं कर सकता। क्या तुम्हें अपने शौहर पर पूरा यकीन है? देखो एक काम करो, ये सवाल करने से पहले ना उससे कहो कि जो लोग उसके साथ मिले हुए थे ना उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, फिर देखो वो जवाब क्या देता है। छोटा सा झूठा और छोटा सा काम है, तुम कर सकती हो, रख लो। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। जी फरमाइए। क्या ये पॉसिबल है कि ज़किया और हमीद की अगली मीटिंग आप रिकॉर्ड कर लें? मैं उसका कत्ल नहीं करना चाहता था। मैंने क्या कर बैठा ज़किया? ये मैं क्या कर बैठा? मैं तो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा रहता तब भी इतना नहीं कमा सकता। तो उसकी रिकॉर्डिंग निकालो, जाओ। ओके सर। जल्दी। अब झूठ बोलने का वक्त गया, हमीद एतराफ कर चुका है कि तुम दोनों उसके साथ थे, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। बड़ी वफादारी निभा रहे थे। तुम लोग जानते हो तुम लोगों को पकड़वाया किसने? बारे हमीद ने। उसी ने टिप दी थी कि तुम दोनों कहां छुपे हुए हो। महज कुछ जेवरात लेने के चक्कर में अपने घर से उसने तुम सबको पकड़वा दिया और इसका भी एतराफ कर चुका है वो। अब बताओ हमें सच सच बताओगे? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं तुम दोनों से। नहीं नहीं कहानी बनाने का वक्त गया। हाँ। कुछ चारा भी तो नहीं। हाय व्यूअर्स, आज हर न्यूज चैनल और हर अखबार में एक ही हेडलाइन चल रही है, हमीद और उसके साथियों ने एतराफ कर लिया है कि वो कुछ पैसों के लिए दानियाल मुजीब को अगवा करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर मामला बिगड़ गया और एक बेकसूर लड़की आयला नदीम अपनी जान खो बैठी। हमीद का कहना यह था कि वो रकम हासिल कर फरार हो जाना चाहता था। वो समझ रहा था कि सबको ये लगेगा कि वो हलाक हो चुका है और इस तरह उस पर शक आएगा ही नहीं, मगर इस तरह शनाख्त बदल कर भाग जाना इतना भी आसान नहीं, और इससे ये मालूम होता है कि वो एक तजुर्बकार मुजरिम नहीं था। दानियाल मुजीब बेकसूर है। पकड़े जाने पे हमीद ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया क्योंकि उसे लगा था कि इससे उसकी सजा कम हो जाएगी। जहां तबकाती फर्क इतना ज्यादा हो वहां इस किस्म के जराइम तो पैदा होते ही हैं। इस फर्क को कैसे कम किया जा सकता है और इन जराइम को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये सोचना पॉलिसी मेकर्स का काम है। मगर अफसोस मुझे इस बात का है कि जल्दबाजी में बनाई हुई मेरी चंद वीडियोस की वजह से बेकसूर लोगों के ऊपर शक किया गया और उनके ऊपर कीचड़ भी बिछा ली गई। बेटा, आई लव यू बेटा। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत। चुप। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और अपोलोजाइज भी करती हूँ। मेरी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा है और उन पर गलत इल्जाम भी लगे। आज एहसास हो रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कितना खतरनाक हो सकता है। आई गेस मुझे और एहतियात करनी चाहिए थी।
कुछ पूछना है? वो जब मैं नीचे आ रही थी तो आप और दानियाल क्या बात कर रहे थे? अगर ये सवाल तुम दानियाल से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं दानियाल की बीवी हूँ, ये पूछने का हक है मुझे। बिल्कुल है, लेकिन यही बेहतर है कि ये सवाल तुम दानियाल से ही पूछो। दानियाल को पता भी था कि मैंने सैलून जाना है, पता नहीं हमीद के साथ इतना इम्पोर्टेंट क्या काम था। ये भी उससे जरूर पूछना। अब चले। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आई एम सॉरी बट मेरे लिए जानना जरूरी है, आपने दानियाल से रिश्ता क्यों खत्म किया? हाँ, इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। दानियाल से रिश्ता इसलिए खत्म किया क्योंकि मेरी मर्जी थी। एज डिफरेंस की वजह से? नहीं, शायद इस वजह से कि वो मुझे ज्यादा पसंद करता था और मैं इतना नहीं। और वैसे भी मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज बहुत अलग है आयला। दूसरी शादी, एक और सीरियस रिलेशनशिप, इन सब चीजों की जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। एक बार दोबारा सोचा भी नहीं? नहीं, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया था। एंड आई होप ये तुमने भी फैसला बहुत सोच समझ कर ही किया होगा। दानियाल ने तुम्हें पहले सच सच बता दिया था ना शादी से पहले, इसीलिए तुमने ये डिसीजन लिया है ना? हाँ, एक एडवाइस जरूर दे सकती हूँ अगर इजाजत है तो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माजी की बातों को भुलाना चाहिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। डोंट ड्वेल ऑन हिज पास्ट। पुरानी बातों को याद रखोगी तो अपनी रिलेशनशिप खराब करोगी। ओके? बट सो अनोइंग एट टाइम्स। आई डोंट डिसएग्री। थैंक यू। किस बात का? यू वेलकम। यहाँ कैसे? आपको लेने आया। मैं कहीं नहीं जा रही। I wish मैं सब कुछ बदल सकता। क्या क्या बदलते तुम? कौन कौन से लम्हे बदलते? जब तुमने हमीद को हायर किया था, या वो लम्हा बदलते जब तुमने आयला को प्रपोज किया था, या माजी में जाके वो शाम बदलते जब तुमने उसके लिए एक सरप्राइज इवनिंग की अरेंजमेंट की थी? छोड़ दो ये सब कुछ सोचना। मैं खुद अब इस एहसास से समझौता कर चुकी हूँ कि अगर इंसान माजी में जाकर अपने गुजरे हुए लम्हे बदल सकता, कभी भी अपने आप को इतना बेबस ना फील करता। अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी और अभी भी ऑफिस आ रहे हो? आज आखिरी दिन है, कल से छुट्टी। अच्छा लिसन, वो आपने किसी अपार्टमेंट का जिक्र किया था, क्या बना उसका? हाँ बताया था ना, बहुत पैसे मांग रहे। डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, इतनी सेविंग्स नहीं है मेरी।
अगर आपको पसंद है तो आई थिंक वो आपको ले लेना चाहिए, अभी भी तो इतना रेंट जाता है। क्या फर्क पड़ता है, पहले भी रेंट देती थी, अब भी रेंट देती हूँ, एटलीस्ट घर तो है। अपना तो नहीं है ना? मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके पास जितने पैसे भी कम पड़ रहे हैं आप मुझसे ले लें प्लीज। एब्सोल्युटली नॉट, स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न, लोन समझ के ले लें। ओके, तो इसका मतलब है कि अब हम दोस्त भी नहीं हैं। ये बात नहीं है, इतना बड़ा फेवर नहीं ले सकती मैं तुमसे। दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। अच्छा, let me think about it. No, please don't. बस अब ये फाइनल हो गया कि आपके पास जितने पैसे भी कम पड़ेंगे अब वो मुझसे लेंगे। ओके 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 ओके, लेकिन एक शर्त पे, लोन समझ के लूंगी। ओके ऑफ कोर्स, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है कि इतना बड़ा लोन माफ कर दूं। वादे के मुताबिक ही पूरी रकम है, कहा था ना मैंने आपसे कि पैसे अरेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने आपके ऑफिस भिजवा दिए, साइन कर दिया था मैंने। हेलो, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जानते हो, जब इंसान एक बहुत बुरा ख्वाब देखता है ना, तो उठकर हमेशा शुक्र करता है, लेकिन जब वो ख्वाब हकीकत बन जाए तो फिर उसे उठने में बहुत खौफ आता है। ऐसा ही कुछ एहसास मुझे हर रोज सुबह होता है। अब कैसे एक ही रात में हम सबकी जिंदगी बदल गई। अब ना वापसी का कोई रास्ता नजर आता है, ना ही आगे का। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा हमें, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ढूंढना पड़ेगा खुद से। और ये लोग, ये दुनिया, ये आज भी हमें मुजरिम समझ रही है। इस दुनिया में सच से ज्यादा शक और शुबे को तरजीह दी जाती है, और तभी एक मासूम को हमेशा मुजरिम करा दिया जाता है। पढ़े थे तुमने वो सारे कमेंट्स जो उन यूट्यूब वीडियोस पे आए थे? देखा था लोग क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था तुम कातिल हो, कोई कह रहा था मैं कातिल हूं, कोई तुम्हारे बाबा पर इल्जाम लगा रहा था, कोई कह रहा था तुम्हारी अम्मी मुलब्बिस है। जब एक बार इंसान पर तोहमत लग जाए ना, तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि आप ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें। इट्स ओके, मैं माजी की सारी चीजों को भुलाना चाहती हूँ। मुझे भी। नहीं, तुम ही तो एक वाहिद शख्स हो जो समझ सकता है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। अब यही तो वक्त है कि हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं।
जी बाबा, नहीं मैं साम्या की तरफ हूँ, कुछ वक्त लगेगा। ओके, हाफिज़।